Hi everyone, this is Bharati and welcome to my channel Dream Maths. So, हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूमेरिकल मैथड्स की सीरीज जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैथड्स करते हुए आ रहे हैं. न्यूटन रैफसन मैथड हो गया, बाइसेक्शन मैथड हो गया, ये सारे मैथड्स हम एक एक करके कंप्लीट करते जा रहे हैं. अगर अभी तक आपने बाकी मैथड्स नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्ले लिस्ट का, आप जाके आराम से न्यूमेरिकल मैथड के सारे मैथड्स कर सकते हो. नोट्स बनाते चलना सो दैट आप इफेक्टिवली एग्जाम में रिवाइज कर पाओ चीजें. आज हम करने वाले गॉस सीडल मैथड, सुपर इजी मैथड है ये भी. इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है. गॉस सीडल मैथड के अंदर क्या करना होता है, इक्वेशन सॉल्व करनी होती है. बहुत इजीली क्वेश्चन कर लेंगे. फटाफट से कैलकुलेटर ले आओ, नोटबुक ले आओ, ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो. सिर्फ स्क्रीन पे देख के बात नहीं बनेगी, क्वेश्चंस तब अच्छे से आएंगे अगर आपने साथ साथ मेरे क्वेश्चन कर लिया. जैसे आपने यहां पे भी गॉस सीडल मेथड का मेरे साथ क्वेश्चन समझ लिया, दैट्स इट. आपको कोई मतलब एक या दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आप अपनी बुक से ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आपका मेथड यही क्लास में ही रेडी हो जाएगा. इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड में. करें स्टार्ट फिर आज की क्लास. बहुत सिंपल है. अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है. सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉस सीडल मेथड. बिल्कुल डायरेक्टली लिखा हुआ है कि गॉस सीडल मेथड से आपको क्वेश्चन करना है. ठीक है, इक्वेशंस तीन दी हुई हैं. तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x, y, z, मुझे इस मेथड के एंड में x, y, z की वैल्यूज मिलनी चाहिए. इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मुझे लास्ट में x, y, z के आंसर्स निकालने हैं. बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना. इसको दो स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है. कितने स्टेप्स हैं? टू स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया है. ध्यान से चीजें समझेंगे. पहले स्टेप नंबर वन बहुत सिंपल है. स्टेप नंबर वन इज आपने क्या करना है, ये जो तीन इक्वेशन है सबसे पहले इसको नेमिंग दे दो. ठीक है, तीनों इक्वेशन को नेमिंग दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड. स्टेप नंबर वन में आपने एक एक करके इक्वेशन कंसीडर करनी है. मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर की, 20x प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू 17. ध्यान से समझना. स्टेप नंबर वन इज पहले आपने नेमिंग देनी है इक्वेशन को, और फिर आपने एक एक करके इक्वेशन कंसीडर करनी है. पहले मैंने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर ली. इसमें आपने क्या करना है, एक्स को इधर रखना है, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जानी है. 17 माइनस वाई प्लस टू जेड, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ. क्या किया मैंने, x को लेफ्ट हैंड साइड रखना है और फिर बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाओ. अब यहां पे x के साथ क्या है, 20, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. आपने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करके सिर्फ x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड रखनी है, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड ले जानी है. ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया. ये भी स्टेप नंबर वन ही चल रहा है. स्टेप नंबर वन क्या है, पहले अपनी इक्वेशन को 1, 2, 3 नेमिंग दी, बिल्कुल सही. फिर आपने एक इक्वेशन कंसीडर की, कर ली, वाई जेड इधर रख दिए, सिर्फ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, रख लिया. फिर वहां से 20x था, 20 भी नहीं मुझे चाहिए, वो डिवाइड में लेगी. आप इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ दे दो, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ. फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली वाई और जेड की टर्म्स में. आगे चले नाउ. अब नेक्स्ट देखो, स्टेप नंबर वन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टेप नंबर वन ही चल रहा है. जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर की थी, वैसे अब हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करेंगे. कर लेते हैं, 3x प्लस 20y माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस 18. जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे. y वाले को इधर रखेंगे, बाकी सारे उधर ले जाएंगे. माइनस 18, ये माइनस जेड प्लस जेड बन जाएगा, ये प्लस 3x माइनस 3x बन जाएगा. मेरी बात ध्यान से समझो. जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे. y वाला इधर रखा, बाकी सारी वैल्यूज में उधर लेगी. ये 20 भी मुझे नहीं चाहिए. y इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 18 प्लस जेड माइनस 3x. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फिफ्थ इक्वेशन होगी. फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यही थी, फोर्थ मैंने x की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट वाली इक्वेशन से, फिफ्थ कौन सी है, y की वैल्यू निकाली है सेकंड वाली इक्वेशन से. चलिए आगे, अभी स्टेप नंबर वन ही चल रहा है. स्टेप नंबर वन में हम एक एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड से y की वैल्यू निकाली है, थर्ड से z की वैल्यू निकालेंगे. कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल्स टू 25. जैसे फर्स्ट से x की निकाली, सेकंड से y की, यहां पे z को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सब राइट हैंड साइड ले लो. 25 माइनस 2x
प्लस 3y, इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ 20z, z यहाँ पे रखना है, बाकी सारे उधर साइन चेंज के साथ चले जाएंगे, माइनस 2x प्लस 3y, क्लियर है चीज। अभी 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 1/20, 25 माइनस 2x प्लस 3y, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तीन इक्वेशंस जो मुझे क्वेश्चन में दी गई थी, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली वो मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन से मैंने y की निकाली वो फिफ्थ, एंड थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू निकाली वो सिक्स्थ आ गई। अब आप कहोगे मैम एक्स वाई जेड की तो वैल्यू निकालनी थी, वो आपने निकाल ली, क्वेश्चन खत्म। नहीं, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू में z भी आ रहा है, x भी आ रहा है, जैसे y की वैल्यू निकाली कोई नंबर नहीं आया, यहाँ पे z भी आ रहा है, x भी आ रहा है, हमें इनको सोल्व करके एक्स वाई जेड के आंसर कोई नंबर फॉर्म में निकालने, जैसे एक्स वन वाई टू जेड थ्री ऐसे आंसर्स निकालने हैं, उसमें गॉस सिडल मेथड में ऐसे ही इसी स्टेप्स के थ्रू हम आंसर्स निकालेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालो, सेकंड से वाई, थर्ड से जेड की, इसी के साथ स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत। फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्वेशन समझ आ गई, मैं यहाँ पे नोट करती हूँ फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्वेशन और फिर हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, दो ही स्टेप्स हैं। नाउ ध्यान से देखो एक्स वाई जेड जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्वेशन से मैंने यहाँ नोट कर लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, आइट्रेशंस करते हैं, आइट्रेशंस मैंने बताई थी, हम वैल्यूज डाल डाल के चेक करते हैं, अभी समझाती हूँ। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, लिखोगे फर्स्ट आइट्रेशन, बहुत ध्यान से आराम से चीजें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन में सबसे पहला काम, पुट y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 में तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते हैं, स्टेप नंबर 2 में आइट्रेशन करते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं, जिसमें वैल्यूज डाल डाल के आंसर्स चेक करते हैं। ध्यान से देखना, फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर आप y को 0 और z को 0 कर दो। जिसको आइट्रेशन नहीं भी समझ आ रहा है, ये वर्ड इतना डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं है, इसमें भी स्टेप्स देखोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में आप लिखोगे फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है जी, फर्स्ट आइट्रेशन लिख देते हैं, पुट y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 इन फोर्थ, जो आपके पास फोर्थ इक्वेशन आई है ना, इसमें आप y और z को 0 डाल दो, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1/20, 17 माइनस y प्लस 2z, हर क्वेश्चन में गॉस सिडल के ऐसे ही करना है। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट आइट्रेशन y0 z0 x में डालना है, x इज इक्वल्स टू 1/20, यहाँ पे 17 माइनस 0 देंगे 0 हो जाएगा, बहुत सिंपल है, दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 1/20, यहाँ पे 17 प्लस 0 ही हो जाएगा, दैट विल बी 17/20। कैलकुलेटर पे जल्दी से करो 17/20, बहुत सिंपल है, 17/20 दैट विल बी 0.85, 0.85, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखना है, मतलब कितने डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो आप 4 तक जाओगे, 0.85 आया, आप डबल 0 आगे लिख दोगे ताकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमारा आंसर लिख पाए, क्लियर है चीज। तो फर्स्ट आइट्रेशन कर दी, क्योंकि ये फर्स्ट आइट्रेशन है तो इसके ऊपर एक्स वन लिख दो, तो फर्स्ट आइट्रेशन चल रही है, एक्स वन आ गया, मतलब एक्स वन की वैल्यू मेरे पास 0.8500 है, इसमें कोई दिक्कत। चले आगे, अभी फर्स्ट आइट्रेशन ही चल रही है, जैसे हमने एक्स वन निकाला है वैसे अब हम वाई वन भी निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, क्या निकालेंगे, वाई वन भी निकालेंगे। वाई की वैल्यू क्या थी, ध्यान से देखो, वाई की वैल्यू इज 1/20 माइनस 18, क्या थी वैल्यू, प्लस 3x थी, माइनस 3x प्लस जेड। जैसे हमने x1 निकाला है वैसे y1 भी निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, y1 में 1/20 रहेगा, माइनस 18 रहेगा, इंटू माइनस 3, x की वैल्यू वो होती है जो लास्ट हमारी निकली है, x की वैल्यू लास्ट कौन सी निकली है, 0.8500, जो भी हम आइट्रेशन निकाल रहे हैं उसमें जो लास्ट वैल्यू हमारे पास आती है, पिछले वाली वैल्यू कौन सी आई है, 0.8500, वो हम यहां पे लिख देते हैं 0.8500। यहां पे z की वैल्यू क्या आई है, z तो कुछ था ही नहीं, वो तो 0 ही चल रहा है, यहां पे वैल्यू 0 आ गई, बहुत ध्यान से समझना। जब हम x की फर्स्ट आइट्रेशन निकाल रहे थे हमारे पास yz पिछला कुछ भी नहीं था, तो हमने y0 z0 ले लिया, जब y की फर्स्ट आइट्रेशन की बारी आई तो हमारे पास x आ चुका है 0.8500, वो हमने पुट कर दिया, z अभी भी कुछ नहीं आया, हम 0 ही लेंगे, तो x को 0.8500, z को 0, पिछली वैल्यू उठाते हैं, x की लास्ट वैल्यू जो हमें मिली है दैट इज 0.8500, z की लास्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी घूम रही है, 0 घूम रही है, लास्ट मतलब जो अभी रिसेंट हमारे पास आई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट विल बी 1/20
20 फटाफट से क्या करो, 3 को 0.8500 से मल्टीप्लाई करो और माइनस 18 करना है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको कैलकुलेटर यूज करना बताया था सीकेंड मेथड के अंदर, प्लीज उस मेथड को अच्छे से देखो। मैंने एक एक वैल्यू की अगर 0.857432 आ रहा है तो आपको आंसर कैलकुलेटर पे ही आ रहा है, तो आपको नोटबुक पे एक्चुअल में आंसर लिखना क्या है उससे आपके आंसर में बहुत डिफरेंस आ जाता है, तभी आपके आंसर बुक से मैच नहीं होते। जैसे मान लो मेरे को 4 डिजिट उठाना है, मैंने वहां पे चेक करना सिखाया हुआ है, तो वो सीकेंड मेथड वाली वीडियो अच्छे से देखनी है अगर आपको कैलकुलेटर से वैल्यूज नोट करनी सीखनी है। मैं यहाँ पे आंसर्स लिख रही हूँ, आप भी लिखो फिर मैच करते हैं। सो अब ध्यान से देखो, मैंने सारी कैलकुलेशंस आराम से एक एक स्टेप लिखा है। 3 इंटू दिस मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को प्लस करोगे और माइनस आगे आएगा, बड़े का साइन आगे आता है, 18 बड़ा माइनस आएगा, तो आपके पास y वन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1.0275 और x वन की वैल्यू कितनी थी आपके पास, दैट इज 0.8500। अब बारी है हमारे पास z वन के निकालने की, मतलब z की फर्स्ट आइट्रेशन। z की फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम z की वैल्यू यूज करेंगे, जो हमारे पास z की वैल्यू आई थी उसको हम यूज करने वाले हैं। z की वैल्यू क्या थी, जो 1/20 फॉर्म में थी, कौन सी, दिस वन, इसको यूज करके हम z वन निकालेंगे। तो z वन देखो, z वन कैसे निकलेगा, यहाँ पे वैल्यूज डाल के 1/20, 15 माइनस 2 की लास्ट वैल्यू, 2 के साथ क्या है x, x की लास्ट वैल्यू क्या थी 0.8500 डाल देते हैं, उसके बाद प्लस 3y, y की लास्ट वैल्यू क्या थी 1.0275, वो भी माइनस में, माइनस 1.0275, जो आपके पास रीसेंट वैल्यू आई होती है xy की वो डालते हैं। जब हमने x की फर्स्ट वैल्यू निकाली फर्स्ट आइटरेशन, हमारे पास yz कुछ भी नहीं था, उसमें हमने 0.0 ले लिया था, लेकिन जब हमें y1 निकालूंगी z1 निकालूंगी उससे पहले जो x y z की वैल्यूज आ रखी हैं वो मैं यूज करूंगी। अब z में मेरे पास x और y की वैल्यूज चाहिए थी, वो मैंने अभी रीसेंट निकाली, ये दोनों इनको मैं पुट करूंगी। फटाफट से इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, जल्दी से आंसर मैच करते। अब ध्यान से देखो कैलकुलेशंस, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया यहां पे और आप कैलकुलेटर पे सिंपल 25 माइनस दिस इनटू दिस कर सकते हो। ये कैलकुलेशन जरूर करके देखना, यहां से डायरेक्टली आंसर मत नोट करना, अपने आंसर्स देखना, आपके पास ये आने चाहिए आंसर्स। तो आपके पास z1 क्या आ गया, दैट इज 1.0109, इसमें 1% ऐसा भी नहीं होगा, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका आंसर एक डिजिट भी हिल जाए। मैंने एक एक आंसर खुद कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से किया हुआ है, इसमें आपका 9 है तो यहां 9 ही आएगा। मैंने अप्रोक्सीमेट किए हुए आंसर्स जो मैंने आपको सीकेंड मेथड में सिखाए थे, वो बहुत जरूरी है कैलकुलेटर से कैसे वैल्यूज नोट करनी है, वहां से जरूर देखना, फिर आपके आंसर्स मैच होंगे। आप ये नहीं कह सकते मैम 1.0273 आ रहा है मेरा, नहीं 5 ही आएगा, एक बार ध्यान से आराम से चेक करो, एक एक कैलकुलेशंस मैंने की है अपने आप। ठीक है, तो x1 y1 z1 ये सारी वैल्यूज आ गई, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन थी। हम इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आइट्रेशन करते रहते हैं जब तक एक्स वाई जेड के आंसर्स सेम सेम आने शुरू नहीं होते या फिर बहुत क्लोज क्लोज आने नहीं शुरू होते। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट आइट्रेशन। अब चलते हैं सेकंड आइट्रेशन पे। जब मैं क्वेश्चन करूंगी आपको समझ आएगा कि एक्स वाई जेड हाँ अब सेम आने शुरू हो गए, अब आइट्रेशंस करनी रोक देते हैं। करें फिर, अभी स्टेप नंबर 2 ही चल रहा है। स्टेप नंबर 2 में अभी फर्स्ट आइट्रेशन की है, अब सेकंड आइट्रेशन करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन से हमें x1 y1 z1 मिल चुका है, अब निकालेंगे x2 की वैल्यू। x था क्या, दैट इज 1/20, सेकंड आइट्रेशन है ना, तो x2 निकलेगा। 1/20 यहां पे नोट करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या है, 1/20, ठीक है, 17 माइनस y कौन सा यूज करना है, जो अभी लास्ट आया था, दैट इज ये वाला माइनस 1.0275, जो हमारे पास आया था हमने वही लास्ट यूज करना है। उसके बाद z कौन सा है लास्ट, ये वाली वैल्यू आई है, दैट इज यहां पे प्लस आ जाएगा 2 × 1.0109, इसके बाद मेरे पास z की कोई वैल्यू नहीं आई है। ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने y को 0 लिया था, ठीक है, z को 0 लिया था सबसे पहला, जब हमने आइट्रेशन स्टार्ट की थी हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी, वो ये रही x1। फिर जब मैंने y1 निकाला, मैंने उसमें x क्या यूज किया, जब उससे पहले आया हुआ था रिसेंट 0.8500। जब मैंने z यू निकालना था, z के लिए कौन से xy यूज किए, जो उससे पहले रिसेंट आ रखे थे, वहां पे 0 नहीं यूज किया मैंने, जो रिसेंट से पहले आए हुए थे, y1 x1, हमेशा उससे पहले जो xy की वैल्यूज आई होती है वो यूज करते हैं। ये नहीं कि स्टार्टिंग वाली यूज करें, नहीं, जो उससे पहले आई है वो यूज करनी है। यहां पे जो मैंने
वैल्यू यूज किए वाई की वो कौन सी है, जो भी मेरे पास वाई वन आई थी, जेड की कौन सी यूज किए, जो जेड वन आई थी, ठीक है, दैट विल बी 1/20। फटाफट से कैलकुलेशन करो, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 1.0275, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फटाफट से सोल्यूशन निकाल। अब ध्यान से देखो, ये सारी सोल्यूशन मतलब कैलकुलेशन करके मेरे पास आंसर आया 1.0025। तो मेरे पास एक्स वन वाई वन जेड वन तो थे, मेरे पास एक्स टू भी आ गया, वो मैं नोट कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको एक साइड पे आप चाहे टेबल बनाते चलो। सो जो ये x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, वो मैंने आगे नोट कर दी, दैट इज x2 इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी हम सेकंड इटरेशन कर रहे हैं, तो ये x2 है, आप क्या निकालेंगे y2। आप साइड पे चाहे टेबल या कॉलम बना के ये वैल्यूज लिखते जाना, आपको हेल्प मिलेगी कैलकुलेशंस करने में। अब y2 निकालते हैं, y था क्या मेरे पास, वो नोट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 1/20, क्या वैल्यू थी यहां पे, दैट इज -18 समथिंग थी, -18 प्लस z -3x, ये वैल्यूज थी मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, y2 निकालना है, कर लेते हैं, दैट विल बी 1/20 -18 प्लस z हमारे पास रीसेंट कौन सा है, ये वाली वैल्यू आई है, इससे पहले तो z की वैल्यू जीरो नहीं लेनी, जो भी रीसेंट आई है 1.0109 वही लेंगे, 1.0109। फिर -3x, -3 इंटू एक्स, x की रीसेंट वैल्यू कौन सी आई है, वो x2 वाली है 1.0025, जो रीसेंट आती है, मैं ये वाली वैल्यू नहीं उठाऊंगी, जो भी नई नई वैल्यू आई है मेरे पास 1.0025, इसको मैं उठाऊंगी, या लिख देते हैं 1.0025, बहुत सिंपल है। फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे -18 प्लस 1.0109, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सोल्व करके y2 का आंसर निकालो, मैं भी निकालती हूँ, फिर मैच करेंगे। सो कैलकुलेशन के बाद y2 मेरे पास ये आ गया, लिख देते हैं -0.9998। अब किसकी बारी है, z2 की बारी है, बहुत ध्यान से देखना, z2 कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने y2 निकाला, z2 दैट इज z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/20 25 -2x, जो हम निकालते हैं ना इक्वेशंस उसी का यूज करते हैं, -2x प्लस 3y लिख देते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल है, दैट विल बी कितना हो जाएगा, z2 इक्वल्स टू 1/20 25 माइनस टू इंटू x की रीसेंट वैल्यू कौन सी आई है, 1.0025, उससे पहले वाली नहीं, जो भी रीसेंट आई है 1.0025 यूज कर लेते हैं उसको, 1.0025। 3y, y की रीसेंट वैल्यू कौन सी आई है, अभी ये वाली आई है, ये वाली पुराने वाली यूज नहीं करनी, हम बिल्कुल न्यू वाली यूज करेंगे, -0.998, वही 0.9998, इसको सॉल्व करके हमें अपनी वैल्यू z2 की भी मिल जाएगी। जल्दी से करते हैं, तो हमारे पास z2 भी आ गया, दैट इज 0.998, बिल्कुल आराम से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, फिर कैलकुलेट किया, डिवाइड किया 20 से, मेरे पास आंसर आ गया 0.998। अब क्या थर्ड आइट्रेशन करनी है, नहीं अभी पता लगेगा। अब ध्यान से देखो, क्या क्लोज क्लोज आंसर्स आए हैं, जैसे ये 0.8500, ये 1.0025, ज्यादा क्लोज नहीं है, ये 1.0275, 0.9998, ये भी इतना क्लोज नहीं है, मतलब हमें बिल्कुल क्लोज क्लोज आंसर्स चाहिए, जब हमारी एक्स की वैल्यू सेम सेम ऑलमोस्ट सेम सेम जैसे आने शुरू हो जाए, तब हम अपनी आइट्रेशन स्टॉप कर देते हैं। करें फिर थर्ड आइट्रेशन पे, यहाँ पे तो सेम नहीं आई, 0.8500, 1.0025, थोड़ा सा तो आंसर हमारा सेम सेम सा आए, तब तक हम आइट्रेशन करते रहेंगे जब तक एक्स की वैल्यू सेम आनी ना शुरू हो जाए, वाई की वैल्यू सेम आनी ना शुरू हो जाए, सिमिलरली फोर जेड, हम कैलकुलेशन करते रहेंगे जब तक सेम जैसा कुछ ना दिखने लग जाए, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड आइटरेशन पे, बहुत सिंपल है, आपको आइटरेशन निकालनी आगे, जल्दी से निकालो मेरे से पहले, जल्दी से देखो पहले x की वैल्यू, 1/20 क्या थी x की वैल्यू मेरे पास, 1/20 17 माइनस y प्लस 2z, राइट, 17 माइनस y प्लस 2z। अब किसकी बारी है, थर्ड आइटरेशन की, फर्स्ट होगी सेकंड होगी, थर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पे x3 लिखा आएगा, 1/20 आएगा, 17 माइनस y रिसेंट वाला कौन सा है, ये रहा माइनस जीरो, पुराने वाला तो यूज करना ही नहीं, नए वाला -0.998 वही हम यूज कर लेते हैं, 0.9998 प्लस 2z, z हमारे पास रिसेंट कौन सा आया था नए वाला, दैट इज 0.9998, ये भी यही था, लिख देते हैं 0.9998, जो भी हमारे पास रिसेंट अभी अभी x y z की वैल्यूज निकली होती है वो हम पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करो फटाफट से, मेरे साथ आंसर मैच करना, सब कैलकुलेटर का गेम है, जल्दी से करो। अब ध्यान से देखना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, यूल गेट 0.99997, ठीक है, 4 × 9 और 7 आएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना है, 4 डिजिट तक बात करनी है, 1 2 3 4,
फिफ्थ डिजिट देखू, क्या वो 5 से बड़ा है? यस वो 5 से बड़ा है, 7 है, तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता है फोर्थ डिजिट में। क्या आपने सीकेंट मेथड में जाके ये मेरे रूल्स अच्छे से समझे हैं कैलकुलेशन के, कि कैलकुलेटर से कैसे वैल्यूज नोट करनी है? अगर नहीं देखा, मैं बार बार बोल रही हूँ, सीकेंट मेथड देखो। न्यूमेरिकल मेथड्स की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, सीकेंट मेथड में आपको चाहे इंटरेस्ट है उस मेथड में, चाहे नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैम बहुत टाइम लगेगा, वो सीकेंट मेथड में मैंने इतने अच्छे से कैलकुलेशंस का यूज बताया, मतलब कैलकुलेटर्स कैसे आपको वैल्यूज नोट करके अपनी नोटबुक में लिखनी है, वो वहां से सीखना ही पड़ेगा। चाहे 1x 2x स्पीड पे देखो, लेकिन वहां पे कैलकुलेटर का यूज मैंने बता दिया। एक मेथड में इसीलिए अच्छे से बताया था ताकि आप बाकी मेथड्स में भी वही सारे रूल्स फॉलो करते रहो। तो यहां पे देखो, मेरे 4 डिजिट तक चाहिए मुझे, फिफ्थ डिजिट 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट चाहिए। 9 में 1 का इंक्रीमेंट करूंगी, वो 10 हो जाएगा, उसका यहां पे यूज नहीं होगा। तो इस पूरे में ही 1 का इंक्रीमेंट हो गया, मींस 0.1 का, दैट इज 1.000 इसका आंसर हो गया। ये अप्रोक्सीमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल मेथड्स में दिक्कत कहां आती है? आपके बुक से आंसर्स नहीं मैच कर रहे होते, आपको कैलकुलेशन स्टेप वही लगा रहे लेकिन कैलकुलेशन में आंसर नहीं आ रहा। अब एक कैलकुलेशन में दूसरी कैलकुलेशन का यूज है, तो फिर वो पहले वाला आंसर दूसरे में यूज कर रहे हो, पहले वाला ही नहीं मैच कर रहा, आगे कहां से मैच करेगा बुक में? तो आपको कैलकुलेशन सीखनी बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल मेथड्स में, वो आप सीकेंट मेथड में जाके कैलकुलेटर का यूज अच्छे से सीखो, तब आप सारा न्यूमेरिकल मेथड्स अच्छे से कर पाओगे। वहां पे आपको मैंने समझाया अच्छे से कि मैं इसको ऐसे क्यों लिख पा रही हूं, कि मैं इसको 1 लिख पा रही हूं, वहां पे आपको वीडियो देख के समझ आएगा। 3 रूल्स होते हैं सिर्फ कैलकुलेटर के, मैंने एंड में भी समराइज किए हुए हैं और बीच में भी, हर एक वैल्यू जो कैलकुलेटर पे आ रहे हैं ना आंसर, वो भी बोर्ड पे लिख रही हूं, फिर जो मैं उसका अप्रोक्सीमेट कर रही हूं वो भी वहां पे लिख के बता रही हूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। समझ आ गई चीज? x3 1.000 लिख दिया मैंने। अब आगे देखो, जैसे x3 निकाला है वैसे ही हम y3 भी निकालेंगे। x3 कितना आया? 1.000। अब y3 मतलब y की थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। y की वैल्यू क्या थी पहले वो नोट करते हैं, फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। y3 देखो, y3 कैसे निकलेगा? 1/20 -18 -3x। x की रीसेंट वैल्यू कौन सी है? अभी 1.0000। z की रीसेंट वैल्यू कौन सी है? जो भी रेसिडेंट बिल्कुल रीसेंट, दैट इज 0.9998, वो यूज करेंगे 0.9998। जो आपकी लास्ट वैल्यू रीसेंट निकली होती है वो वैल्यू यूज करते हैं। 1/20 -18 -3.0000। फटाफट से कैलकुलेट करो इसको और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, फिर मैच करते हैं। कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर, प्लीज ये दो चीजें अलग अलग हैं। जो कैलकुलेटर पे आंसर आता है वो बड़े बड़े आते हैं, 8 डिजिट 7 डिजिट, आपको 4 डिजिट चाहिए। वो 4 डिजिट लिखना क्या है वो मैंने आपको समझाया हुआ सेकंड मेथड में। बार बार उस मेथड का नेम लेती हूँ क्योंकि उस मेथड में मैंने बहुत पेशेंस के साथ एक एक कैलकुलेशन सिखाई हुई है। उसको 1x या 1.5x पे देख के कैलकुलेशन सीख के, वो पूरे सारे मेथड्स का बेस है, तो उसको सीखना ही पड़ेगा। आप देखो, y की वैल्यू क्या आ गई? 1.000। यहाँ पे लिख देते हैं y2 इज इक्वल्स टू 1.1। बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से करोगे। माइनस है आगे, माइनस लिख दिया यहाँ पे। अब चलते हैं z की थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे, क्या पता अब सेम सेम आंसर दिख जाए। क्योंकि ध्यान से देखो, x क्या था? 1.0025, यहाँ पे x 1 आ गया, ऑलमोस्ट आसपास है, 0.9998 एंड 1, ये भी आसपास है, बिल्कुल क्लोज क्लोज वैल्यूज आनी शुरू हो गई है x की भी, y की भी, z की भी चेक कर लेते हैं। अगर z की भी बिल्कुल इसके क्लोज वैल्यू आ गई, बस फिर हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जाएंगे, यहीं पे अपना क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे और यही हमारे आंसर्स होंगे जो लास्ट आइट्रेशन में आते हैं। फट से देखो z की थर्ड अप्रोक्सीमेशन, 1/20 25 माइनस x की रीसेंट, बिल्कुल अभी नई नई कौन सी वैल्यू आई है? दैट इज दिस वन, 1.00, इसको यूज कर लेते हैं, 1.0000। यहाँ पे 3y, y की कौन सी रीसेंट वैल्यू आई है अभी? -1.00, जो अभी बिल्कुल नई नई आती है वो यूज करते हैं। 1/20 25 -2, और ये -3 बन जाएगा। 2.000 लिखने का कोई फायदा नहीं, वो 2 ही होता है। 3.000 लिखने का फायदा नहीं, 3 होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे 1/20 25 -5, दैट विल बी 20, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1। तो मेरे पास z3 कितना आ गया? 1। इसको 4 डिजिट के लिए 4 तक लिख लेते हैं, ठीक है? ऐसे 4 जीरोस लगा दी। अब ध्यान से देखो, अब आंसर सेम आने शुरू हो गए। ये 1 और 1.0225 बहुत आसपास है, ये भी बहुत पास वैल्यूज है, ये भी 0.998 और 1 बहुत क्लोज वैल्यूज है। मेरे पास सेकंड एंड थर्ड आइट्रेशन की वैल्यूज बहुत क्लोज क्लोज आनी शुरू होगी, तो मुझे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थर्ड आइट्रेशन पे ही मैं क्वेश्चन रोक
रही हूँ, दैट इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1, मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको किसी क्वेश्चन में 4 या 5, मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा इटरेशंस करने की जरूरत नहीं है, 5 इटरेशंस तक आपके आंसर सेम आने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट इटरेशन में आप y0 z0 लेते हो x के लिए, बाकी आगे जैसे y1 z1 निकाल रहे हो, जो रिसेंट वैल्यूज आपके पास x y z की होती हैं, वो पिछले जो अभी अभी आई होती हैं, वो y z की वैल्यू यूज करके हम अपनी नई वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, जैसे अभी देखो हमने टेबल में यूज किया, ठीक है। तो मेरे पास x1 y-1 z1 आ गया। अब इतना सारा क्वेश्चन किया, अब पेपर में मुझे डर लग रहा है क्या मेरे आंसर सही आए हैं कि नहीं आए, मतलब इतना सारा टाइम लगाया, कैलकुलेशन की, क्या मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, मैं अपना आंसर चेक कर सकती हूँ। अब फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे अपने आंसर्स डाल दो, x की जगह 1, y की जगह -1 और z की जगह 1 डाल दिया, राइट। 20 -1 -2, दैट विल बी 20 -3, आंसर कितना आ गया 17 आ गया। इसका मतलब जब मैंने एक्स वाई जेड सॉल्व किए तो मेरा राइट हैंड साइड वाला 17 ही आंसर आ रहा है, मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। आप तीनों इक्वेशंस में चेक करोगे, अगर तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड डालने पर आपके पास वही आंसर्स आ रहे हैं जो राइट हैंड साइड है, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, बस आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। इस क्वेश्चन में आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, इतना ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चेक हो गया आंसर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करना फिर स्टार्ट कर देते हो। तो आपको कैलकुलेशन भी आ गई, आपको आंसर चेक करने भी आ गए, क्वेश्चन टफ नहीं है। स्टेप नंबर 1 में XYZ की वैल्यूज निकालनी है और स्टेप नंबर 2 में आप iterations की हेल्प से काम करना शुरू करते हो। सबसे पहले Y0 Z0 से स्टार्ट करते हो, फिर ऐसे एक एक करके वैल्यूज निकालते हो, जब तक सेम आना ना शुरू हो जाए आप अपना क्वेश्चन करते रहते हो। ये चीज क्लियर है, 4 से 5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा iterations की जरूरत नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छे से क्लियर है, गॉस सीडल मेथड इतना ही था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना कैलकुलेशन में, मेनली ना कैलकुलेटर का यूज करना नहीं आता, टैट्स हो आपके पास या न्यूमेरिकल मेथड्स हो, सारा काम हम सोचते हैं कैलकुलेटर कर लेगा, जो आंसर उसमें बड़े बड़े आ रहे होते हैं हम यहाँ नोट कर देते हैं और हमें लगता है बस क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना भी ना एक आर्ट है, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप आर्ट है। मीन्स आपको आंसर लिखने आने चाहिए कि कैलकुलेटर पे कितना बड़ा आंसर आ रहा है और उसे मुझे क्या उसको नोट करना है, क्योंकि देखो पिछली कैलकुलेशन अगले में यूज होनी है, अगर वही अच्छे से नोट नहीं की तो सारा क्वेश्चन में आंसर्स फिर मैच नहीं करते। इसलिए सीकेंट मेथड के अंदर चाहे आपको लगता है कि मैम ये मेथड है हमारे पास, मैम ये इजी है या फिर मैम मेरे को आता है, तब भी आपने ये मेथड जरूर देखना है एक बार, इसकी कैलकुलेशंस जो मैंने करवाई हुई है पूरा क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करने से ना ये वाला सीकेंट मेथड का आपका पूरा न्यूमेरिकल मेथड्स इंप्रूव हो जाएगा, आपके पूरे न्यूमेरिकल मेथड्स के जितने भी मेथड्स हैं सारे अच्छे से हो जाएंगे अगर सीकेंट मेथड से कैलकुलेशन करनी सीख ली। वहां मैंने उसी मेथड में ना सारी कैलकुलेशन करा दी थी ताकि आपको अगले मेथड्स में ईजी हो जाए, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज रिमेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये जो सीकेंट मेथड है प्लेलिस्ट में है न्यूमेरिकल मेथड्स की, आप वहां से कर सकते हो।